हेलो क्रिकेटर्स, आपको पूरा डेमोस्ट्रेशन मिलेगा स्टेप आउट का, किस स्टेप आउट कैसे करना चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या टैक्टिक्स होने चाहिए, एक्चुअल में स्टेप आउट का रीजन क्या है, कैसे हम एक अच्छा स्टेप आउट कर सकते हैं, कैसे हम एक अच्छे स्पिनर को सोचने पे मजबूर कर सकते हैं, सारी चीजें बहुत ही डेप्थ में समझेंगे। सब कुछ करके दिखाऊंगा, प्लेयर्स के साथ टेक्निक बताऊंगा, ड्रिल्स बताऊंगा, खुद भी मार के दिखाऊंगा। पूरी वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है, तो गाइस पूरा देख लेना अच्छे से। आज मैं हाउ टू इम्प्रूव स्टेप आउट अगेंस्ट स्पिनर्स, क्योंकि अगर यार हमारे पास ना स्टेप आउट अच्छा है और अगर हम अच्छा स्टेप आउट कर सकते हैं तो हम किसी भी स्पिनर की लेंथ को डिसीव कर सकते हैं, उसे सोचने में मजबूर कर सकते हैं, उसे छोटा बॉल डालने पे मजबूर कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हमें ना हम यार इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि यार अगर हम स्टेप आउट में अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए और उसके लिए ड्रिल्स क्या क्या हो सकती है। तो पहले तो यार मैं कुछ प्लेयर्स को देख लेता हूँ ज़रा स्टेप आउट, और आपको भी उन दिखाता हूँ साथ साथ कि बच्चे अक्सर क्या फॉल्ट करते हैं, और फिर मैं खेल के भी दिखाऊंगा कि कैसे हम एक अच्छा शॉट मार सकते हैं। फिर उसके बाद हम ड्रिल्स और इसकी टेक्निक पे चर्चा करेंगे पूरा डेप्थ में, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसके बिल्कुल मत करना यार। तो गाइस स्टार्ट करते हैं यार। यार एक एक चीज़ ना बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, ये बैट्समैन है, इसको देखते हैं स्टेप आउट किया, लेकिन इन्होंने पूरा एकदम से कर दिया और बॉडी जो लेग्स है ना इसको बिल्कुल भी फ्लैक्स नहीं किया, और स्ट्रेट बॉडी के साथ जो हाफ वॉली बन सकता था वो यॉर्क लेंथ बना। थोड़ा सा इनके फॉल्ट पर चर्चा कर लेते हैं हम, जो बैट्समैन है। ये देखिए थोड़ा सा पता क्या हो रहा है कि चीज़ें बड़ी, आप रिवर्स करके देख लेते हैं, ज़रा गौर से देखना यार। ये देखिए जरा स्टेप आउट किया और ये थोड़ा सा ना दूर से खेल रहे हैं बॉल को, ये सबसे बड़ी समस्या है। चाहे स्टेप आउट करें चाहे आप स्टैंडिंग पोजीशन में खेलें, आप दूर से तो कतई भी नहीं खेल सकते, ये तो सरासर नाइंसाफी हो रहेगी बैटिंग के साथ। और शॉट तो ठीक मार रहे हैं, बस में थोड़े से चेंजेस आ गए ना तो बैटिंग में कमाल की काबिलियत आ सकती है इस लड़के के अंदर। ये देखिए स्ट्रेट बॉडी, वेट पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हुआ, जिसके कारण शॉट में जो पावर एक्चुअल में आनी चाहिए ना एकदम कड़क, वो आ नहीं पा रही है, बस एक एवरेज शॉट लग रही है। देखिए जो बॉडी का भार है ना वो शॉट पर आ नहीं रहा है, ये आ जाएगा तो इसके जो टेक्निक है लगभग बेटर है, और पावरफुल टेक्निक, पावरफुल स्ट्रेंथ रहेगी शॉट में, जो कि कंपलसरी है। ये देखना आप, ये मीटिंग पॉइंट देखिए, आप मीटिंग पॉइंट के टाइम आप देखिए जो बॉडी का भार है कितना गलत है, आप बॉल पे भार ही नहीं डाल रहे, ग्रेविटी या फोर्स कैसे आएगी आपके शॉटों में, और आपका भार थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है, बॉल जब थोड़ा सा भी दूर रह गया तो फिर आप के बैट से बॉल अच्छे से लगेगा नहीं, और आप कहीं ना फिर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाएंगे अपने शॉटों के बिलीव को लेकर। अगर बात की जाए तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये देखिए स्टेप आउट किया बट बॉल को आने नहीं दिया। गाइज यार ये बच्चे ना अभी आपने देखा होगा जो भी मैंने इनका फॉल्ट बताया, और ये स्टेप आउट कर रहे थे, तो उस गलती पे जरा इनसे ही डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझना सारी चीज़ें। यार जब भी हम लोग ना स्टेप आउट कर रहे हैं तो हमने मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर उसका ध्यान रखेंगे तो हम ड्रिल्स के साथ वर्क करेंगे तो अच्छा स्टेप आउट कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या होती है, जब भी आप स्टांस ले रहे हो ना तो आपकी जो फर्स्ट ट्रिगर मूवमेंट क्या होगी, फर्स्ट इनिशियल मूवमेंट ऐसे होनी चाहिए, ऐसे कमिट नहीं करना, वहाँ पे आपका फुट जो मसल्स है ना वो ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब वो एक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगी, कमिट हो गए वो एक जगह, काम ख़त्म हो गया, और दूसरा फिर अगर आप काम स्टार्ट करना चाहेंगे तो अब जब तक देर हो जाएगी आपको, ठीक है। और जब आप बिल्कुल पोजीशन में रहेंगे परफेक्ट, वेट आपका दोनों पैर पे इक्वल है, बॉल आप तक आई नहीं, तो आप आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं, और ये चीज़ करनी क्या है। और स्टेप आउट पता है यार सबसे जो मेन चीज़ पता है क्या, स्टेप आउट में आपने रिलीज पर बड़ा ध्यान देना है, हाथ से बॉल निकल रहा है ये पिक करना आ गया तो आप अच्छा स्टेप आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ना कुछ ड्रिल्स हैं वो मैं अभी बताऊँगा, बट मैं पहले अभी इनको बता दूँ कि करना क्या एक्चुअल में। तो आपने क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट इनिशियल मूवमेंट ही होगी आपकी, आपने देखा गुड लेंथ का बॉल है और आपको लगता है कि आप स्टेप आउट करके इसको हाफ वॉली बना सकते हैं, तो यू कैन टेक द स्टेप आउट फुली साइड ऑन। कोशिश ये रखनी कि स्टेप आउट जो आपका साइड ऑन होगा, क्योंकि आमतौर पे हम स्टेप आउट पता कब करते हैं, ज़्यादातर बाहर की बॉलों पे दिक्कत होती है, अगर ऑफ स्पिनर डाल रहा है तो इतना दिक्कत नहीं होती, पूरा डाला तो चल भाई विद द स्पिन ऐसे मार दिया, और छोटा हल्का डाला तो विद द स्पिन ऐसे मार दिया। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर की टर्न को ख़त्म करने के लिए, लेंथ ख़त्म करने के लिए स्टेप आउट करते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम जो अपना इनिशियल मूवमेंट है फ्रंट फुट ऐसे रखते हैं, तो अगर देखा बॉलर को यार बॉलर भी एक्टिव है और उसने बॉल थोड़ा खींचा, अब हर बॉल स्टेप आउट के लिए आप तैयार रहेंगे तो अच्छा बॉलर पता है क्या सोचेगा, उसी में फंसाने की कोशिश करेगा, वो तेज़ नहीं करेगा, वो सोचेगा थोड़ा सा खींचा जाए बॉल एयर में तो थोड़ा दूर फेंकेगा, उसमें क्या आपने पैर पहले फेंका नहीं तो फंसेंगे नहीं, तो आप यहीं से बैकवर्ड जाएंगे और पंच और कट आपके पास रहेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है, बट आपने कमिट नहीं होना। तो ज़रा यार मैं ना कुछ शॉटें मार के दिखाऊंगा, कोशिश करता हूं, और फिर मैं आपको ड्रिल्स और इसकी मेथड पे बात करूंगा। गाइस एक एक चीज़ पे नोटिस कर लेना, देखिए फुल टॉस बनाया और डाउन द ग्राउंड खेल दिया स्ट्रेट शॉट,
ये देखिए, अब इसको चेक कर लेते हैं जरा, रिवर्स आके देख लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले चेक करते हैं रिलीजिंग पॉइंट पे ट्रिगर मूवमेंट, एकदम परफेक्ट है। चेक किया, बॉल गुड लेंथ है, हाफ वॉली बन सकता है, एंड टेक द स्टेप आउट्स एंड प्ले सेंसिबल। फिर से देखिए स्टेप आउट, और सबसे बड़ी बात ना यार, हमें नीचे शॉट्स मारने आने चाहिए, ऊंचे तो हर कोई मारना। अब ये देखिए, सर के नीचे बॉल बिल्कुल करेक्ट है, और ये देखिए पूरा भार एक पैर पे आ गया, जिसे कहते हैं ना ग्रेविटी ऑफ फोर्स आएगी आएगी शॉट पे, पूरा वजन डाल दिया है बॉल पे। फिर से देखिए लीनिंग फॉरवर्ड, अब जरा इसको भी चेक कर लेते हैं, फिर से रिवर्स आए, और ये देखिए जरा ये बॉल डाला स्लो मोशन में, अच्छे से देखना, बॉल डाला और फुल बॉल और फुल बना। और आप ये देखिए पॉस्चर देखिए, पूरा लीनिंग फॉरवर्ड है, और ये देखिए लीन करा बॉडी को, और पूरा बैट स्विंग के साथ कमाल की टाइमिंग और जबरदस्त साउंड आया शॉट के अंदर। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपकी बैटिंग के अंदर ना क्लास को डेवलप करती हैं। ये देखिए फिर से स्टेप आउट किया, हाफ वॉली बनाया और स्ट्रेट बैट के साथ खेल दिया। ये देखिए फिर से पूरा हाथ खोलने का मौका मिला, स्टेप आउट किया और हाथ खोले और अच्छा शॉट। फिर से देखिए स्टेप आउट, हाफ वॉली बनाया और स्ट्रेट। सबसे अच्छी बात क्या है ना, नीचे नीचे आपको शॉट्स खेलने हैं। ये देखिए, अब आप देखिए बॉडी बैलेंस देखिए, एक पैर पर पूरा भार डाला, हाफ वॉली बनाई और कंट्रोल देखिए फ्रंट फुट पे, से पावर भी आई शॉट में और बैलेंस भी। इन सब चीज़ों पे काम करना है आपने, अगर आप ऐसे काम करेंगे ना तो आप काम अच्छा कर पाएंगे। अब साइड ऑन स्टेप आउट है तो बॉल खींच गया तो आप डिफेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक अच्छी टेक्निक में है और आप अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अपना शॉट सिलेक्शन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी टेक्निक बहुत ही स्ट्रांग है। और यही चीज़ है आपको चाहिए, जितने बैट्समैन है जरा सा छोटा देखा, बैक फुट का यूज़ किया, फुल कट मार दिया अकॉर्डिंग टू पेस और विकेट के हिसाब से। ये देखिए हाफ वॉली बनाए, फिर से मारा। अब जरा स्लो मोशन में देख लेते हैं, ये देखिए पूरा हाफ वॉली बनाया, फिर से वेट डाला और डाउन स्विंग देखिए, सब कुछ परफेक्ट है, बैलेंस परफेक्ट है, जो कि हर एक बैट्समैन को चाहिए। अब जरा सा एंगल चेंज किया है, देखिए साइड ऑन लीनिंग फॉरवर्ड एंड पुशिंग योरसेल्फ, और ये जो टेक्निक है ना, ये कमाल की साइड ऑन मूवमेंट है, जो कि आपको बाहर जाती बॉल बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और आप देखिए चेक कीजिए जरा, लीनिंग फॉरवर्ड बॉली बैलेंस एट द टाइम ऑफ कनेक्शन इज करेक्ट, जो कि सबसे कमाल की बात है। कनेक्शन के टाइम आपकी टेक्निक, आपका बैलेंस, आपका जो सब कुछ अगर करेक्ट है, तो फिर आप एक अच्छे बल्लेबाज की सूची में आ जाते हैं। और ये देखिए जरा साइड ऑन है और आप शॉट चेंज कर सकते हैं, ये की फैक्टर्स हैं, आप ध्यान रखना, आप शॉट सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए फिर से देखिए हाफ वॉली बनाया, स्ट्रेट बैट के साथ मिड ऑफ पे खेल दिया, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर दोनों बॉल डाल रहे हैं, तो शॉट्स यही बनते हैं। साइड ऑन दूर खींचा बॉल, उसको हल्के हाथ से खेल दिया, काफी चीजें बड़ी कमाल की है। ये देखिए फिर से मिड ऑफ पे खेल दिया, और जितने भी प्लेयर्स देख रहे हैं ना यार, स्टेप आउट करें तो नीचे नीचे मारने की ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो आप 100 रन बना सकते हैं, 150 रन बना सकते हैं, अब नॉट आउट की कैटेगरी में आ जाएंगे। टेक्निक को परसेंटेज के तरह तैयार करना, लोग ऊंचे शॉटों की बड़ी प्रैक्टिस कर। गाइज आपने देखा होगा, मैंने स्टेप आउट बॉलर के अगेंस्ट करके दिखाया, एक लेग स्पिनर था, एक लेफ्ट आर्म, और जो भी मैंने बैकग्राउंड में आपको बताया आपको अच्छे से समझ आया होगा मुझे लगता है। तो अब ना मैं मतलब इसकी ड्रिल्स बताता हूँ करनी कैसे, आपने दो ड्रिल्स बताऊँगा, और इसको आप डे बाई डे करेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने जो फुटवर्क को है ना अच्छा कर सकते हैं, अपनी साइड ऑन फुटवर्क है उसको अच्छा कर सकते हैं, और वही ज़रूरी है। क्योंकि कई प्लेयर देखे यार, आपने स्टेप आउट पता कैसे करते हैं, अब जैसे उनका ना जो फर्स्ट इनिशियल मूवमेंट ऐसे रहता है, उसके बाद वो ये पैर ऐसे ले आते हैं, फिर उसके बाद वो बॉल रोक नहीं सकते, एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ छक्के के लिए रहते हैं और दूर हो जाते हैं बॉल से, और जब बॉल घूम रहा होगा कुछ होगा तो दिक्कत ज़्यादा होती है। और स्टेप आउट में ज़्यादातर करना क्या, आपने आपको मैंने अभी दिखाया जब बैटिंग कर रहा था, तो फर्स्ट इनिशियल मूवमेंट ये आपने चेक किया, बॉल लेंथ बॉल है, हाफ वॉली बनेगी एंड देन प्ले, और उसके बाद आपने चेक किया यहाँ से और बैक फुट गए, फिर पंच और कट आपके पास है, तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो गाइस अब मैं ना ड्रिल करके बता रहा हूँ, अच्छे से देख लेना, और जो बैकग्राउंड में बताऊँगा अच्छे से समझ लेना। ड्रिल फर्स्ट को देख लीजिए, स्टेप आउट किया, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जिस भी पार्टनर के साथ आप कर रहे हैं ना, तो आपको अपनी रेंज के हिसाब से उसके उसे खड़ा करना है, और जैसे ये बॉल फेंक रहा है ना एकदम स्ट्रेट चौथे पांचवे स्टंप की लाइन में, ऐसे ही फेंकना और लीन करके ड्राइव्स मारने ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक कि आपको पूरी तरह से कंट्रोल ना आ जाए। तो ये सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, आपने बॉल को आगे की तरफ डिलीवर नहीं करना, उसी एरिया में ड्रॉप करना, ताकि बॉल का जो कनेक्शन है बैट से ठीक होता रहे, और एक बैट्समैन को धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस बढ़े, और उसकी जो जिस स्पेसिफिक चीज़ के लिए वो जो शॉट के लिए वो ये काम कर रहा है वो अच्छे से हो जाए। और फिर ड्रिल टू पे आते हैं हम, जरा पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए लीन कर करके ड्राइव लग रहा है, पूरा भार एक पैर पे आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है
कोई भी शॉट अगर आप खेल रहे हैं उसका ज्ञान होना, उसकी उसकी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्टनर टू पार्टनर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप किसी कोच के साथ है तो फिर आपके कोच को ज़रूर पता होगा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा बहुत ही कमाल की है, इसके बिल्कुल मत करना। आप ड्रिल टू पे आ जाते हैं, इसमें क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं फास्ट फुटवर्क का। ये देखिए 905-6 बॉल लेनी है और एकदम से ये देखिए ड्राइव मारने हैं, जिससे क्या होगा आपके स्पीड वर्क स्पीड आ जाएगी फुटवर्क के अंदर और जल्दी जल्दी आपने शॉट्स प्ले करने। जैसे कि देखो इसमें पार्टनर का बड़ा खेल है और ये देखिए इससे आपकी ना फास्टनेस आ जाएगी फुटवर्क के अंदर, जो कि जब बॉलर होगा ना जब आपको फ़ायदा मिलेगा। अब ड्रिल थ्री में देख लीजिए, इसमें आपने एकदम से स्टेप मारा और फिर से जल्दी से स्टांस में आना है ताकि आपका जो फुटवर्क है ना इसमें शार्पनेस आ जाए, क्योंकि यार जब हम बॉलर को खेलेंगे ना तो हमें शार्प होना ही पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है ड्रिल। तो यार मैंने जो भी ये जो तीनों ड्रिल्स बताई, थ्री ड्रिल्स बताई है ना, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है यार, हम ड्रिल्स कर रहे हैं हमारा ना कॉन्सेंट्रेशन, हमारा जो माइंड सेट है उधर ही होना चाहिए अगर हम अच्छे रिजल्ट चाहते हैं और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और अगर यार आपको सेव आउट आ गया ना तो फिर आप बैट्समैन स्पिनर का ना बैंड बजा देंगे कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो। और ये ड्रिल बड़ी काम की, आप कर लेना। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने सोचा था आपको बता दूं कि अब सबसे बड़ी बात, हमने प्रैक्टिस की, हमें फॉल्ट्स पता लग गए और हमें इसका इम्प्लीमेशन कैसे करना है। यार अब कोई भी ड्रिल आप कर रहे हैं ना, आप सोचो एकदम से मैच में जाके करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। प्रैक्टिस आपकी, कोई भी प्लेयर कोई भी आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ उसने एक ड्रिल को किया और डायरेक्ट जाते ही पहली दूसरी बॉल से करने लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका करने का तरीका पता क्या है, पहले आपने ड्रिल्स करनी है, फिर आपने नेट्स के अंदर 10-15 बॉल खेलने के बाद उस चीज़ को अप्लाई करना है, वो भी अपने पूरे कंट्रोल के साथ 60-70% एनर्जी का यूज़ देना ताकि आप बैलेंस कर पाए। और ये चीज़ आप करेंगे तो धीरे धीरे ना आपका कॉम्बिनेशन बनने लग जाएगा जो आपने ड्रिल्स किए किसी भी स्पेसिफिक शॉट्स के लिए, और वही ज़रूरी है। और फिर इस चीज़ को आप जैसे जैसे 2-4 दिन नेट्स पर करेंगे तो मैच में भी आपने ये नहीं कि भाई ठीक हो रहा है 2-4 दिन में मैच में जाते ही, नहीं नहीं, आपने बड़ा ध्यान रखना है, आपने 30-40-50 रन बनाने हैं और उसके बाद भी आपने ये नहीं कि मैंने 4-5 दिन जो चीज़ की एकदम से हो जाएगी, ऐसा नहीं। आपने बड़ा फोकस रखना है, आपने पिक करना है बड़े ध्यान से बॉल और थोड़ा हल्का ही खेलने जाना है। धीरे धीरे फिर आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वो आपसे शार्पनेस से काम करवाएगा और उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको यार पता है ना कि अपनी चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर आप अपने काम में 4 चांद लगा देंगे और वही बहुत ज़रूरी है किसी भी खिलाड़ी के लिए। और बड़ी ही पॉइंट की बात कि यार हमें ना, हमने प्रैक्टिस कर ली, हमें लग रहा है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, 100% हम पूरी तरह ना कॉन्फिडेंस रख रहे हैं अपने स्टेप आउट पे, बिलीव कर रहे हैं और हमने अच्छा काम किया है। और उसके साथ साथ अगर हम कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाए ना तो भी चीज़ें गड़बड़ हैं, क्योंकि मेन चीज़ वो पता है क्या है, सिचुएशन और कंडीशन। सिचुएशन कंडीशन, कंडीशन मींस कि कभी कभी विकेट हमें गीला मिल सकता है, कभी कभी बड़ा ड्राई मिल सकता है, मतलब स्पिनर को ना, जो स्पिनर बड़े ही एवरेज क्वालिटी के भी होते हैं वो भी उन विकेटों पे बड़े ही मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखते हैं, वो तेज़ फेंकते हैं बॉल और फर्स्ट के बॉल घूमता है, तो उन कंडीशनों पे आपने स्टेप आउट बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज अगर आप स्टेप आउट करेंगे, बॉल रुक के ब्रेक करेगा ना, तो आप वापस नहीं आ सकते, आपका काम हो जाएगा उस कंडीशन में। तो आपने बस यही करना है, आपने क्रीज का यूज़ करना, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। तो स्टेप आउट करने के साथ साथ ना आपने ये ध्यान देना है कि जैसे हम ड्राइव मारते हैं ना यार, कि ड्राइव मतलब कैसी विकेटों पे लग सकता है, गीली विकेट मिल गई तो हमें ड्राइव रोकना पड़ता है, ज़्यादा टर्निंग स्विंगिंग कंडीशन मिल गई तो ड्राइव रोकना पड़ता है। तो ऐसे ही थोड़ा सा विकेट अगर सिचुएशन अलग है तो हमें चीज़ों को रोकना पड़ेगा। अगर हम इन चीज़ों को समझ गए ना, हम अवेयर हैं, हम कैलकुलेट कर गए कि हमें किस विकेट पे क्या शॉट्स खेलने, कैसी हमारी प्रैक्टिस है, क्या स्ट्रेंथ है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो इट मींस हमारा जो ब्रेन है ना वो क्रिकेटिंग ब्रेन बन रहा है और वही आपको एक बड़ा प्लेयर बनाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। इन चीज़ों को जिस भी प्लेयर ने लाइटली लिया है ना, वो बड़े प्लेटफॉर्म पे, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कभी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, तो आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्रिकेट की हर सिचुएशन, कंडीशन, एटमॉस्फेयर और इन चीज़ों का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके अंदर ना एक काबिलियत इंक्रीज हो जाएगी जो आपको हर प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस करने के लिए आपको काबिल बनाएगी। गाइस मुझे लगता है कि यार आपको ना ये वीडियो काफ़ी हद तक समझ आया होगा और ऐसी ही मतलब इस तरह की बैटिंग की मैं अलग अलग टॉपिक पर वीडियो डालता रहूँगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, आप चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। वही मेरा काम है, वही मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दे पाऊँ कि आपको ड्रिल्स के साथ साथ कैसे मेंटली टफ रहना है, कैसे मतलब आप कैसे चीज़ों को तैयार करेंगे, कैसे अपने आप को संवारेंगे, कैसे अपने आप को चमकाएंगे, कि वही आर्ट है किसी भी बड़ी चीज़ को, किसी भी
प्लेयर को एक बड़ा प्लेयर बनना है तो ये आर्ट डेवलप आपने करनी पड़ेगी। और ये एक दिन का खेल नहीं है, धीरे धीरे करना है और प्रोसेस को फॉलो करना, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में यही बात कहता हूँ। तो इस चीज़ को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपनी गेम में 4 चांद लगा देंगे और आप, मेरी पूरी उम्मीद है, आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे ना तो ज़रूर चमकेंगे आप क्रिकेटिंग माहौल में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू बॉयज़।